नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 9 जिलों में सिविल सर्जन की हुई पोस्टिंग। सूबे को आज मिले 1978 नए दरोगा। सातवें चरण में शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का घोषणा। बिहार जातीय गणना के लिस्ट में 11 और जातियों के नाम हुए शामिल। महिलाओं के IPL की आज होगी शुरुआत। उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 9 जिलों में सिविल सर्जन की हुई पोस्टिंग। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीते दिन शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के 9 जिलों में सिविल सर्जन की नियुक्ति में फेरबदल कर दिया गया है। बता दें कि जिन जिलों में सिविल सर्जन की नियुक्ति में फेरबदल किया गया है उनमें जमुई, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, औरंगाबाद, खगड़िया, शेखपुरा और पटना शामिल है। वहीं जिन सिविल सर्जनों की नियुक्ति इन 9 जिलों में की गई है उनमें डॉक्टर अमिताभ कुमार सिन्हा, डॉक्टर राम कुमार प्रसाद, डॉक्टर कुमार महेंद्र प्रताप, डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर सुरेश चंद्र सिन्हा, डॉक्टर सादा खातून उस्मानी, डॉक्टर श्रीकांत दुबे, डॉक्टर विभा कुमारी सिंह और डॉक्टर ज्ञान भूषण का नाम शामिल है। होली को लेकर ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कही ये बात। बस कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और ऐसे में राज्य में किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो इसके लिए बिहार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बता दें कि बीते दिन यानी कि शुक्रवार को ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा होली को लेकर जानकारियां देते हुए बताया गया है कि जिला स्तर पर विशेष पुलिस बल, दंडाधिकारी, QRT, मेडिकल दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा आग लगने की घटना को रोकने के लिए अग्निशमन की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि होली में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 25 अतिरिक्त कंपनियों को काम पर लगाया जाएगा। इसके अलावा 2500 से ज्यादा होमगार्ड के जवान भी काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि होली को देखते हुए पुलिसकर्मियों की भी को रद्द कर दिया गया है जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसके अलावा लोगों से सोशल मीडिया के जरिए अपील की जाएगी कि महिलाओं के साथ छेड़खानी या गंदा व्यवहार न किया जाए। बिहार जातीय गणना के लिस्ट में 11 और जातियों के नाम हुए शामिल। बिहार में जातीय गणना की सूची में 11 और जातियों के नाम को शामिल कर लिया गया है। दरअसल बिहार में जातीय गणना के पहले चरण में 204 जातियों की सूची के आधार पर गणना की गई थी जिसके बाद दूसरे चरण की गणना की शुरुआत की जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कुछ जातियों के द्वारा आपत्ति दर्ज करा दी गई थी जिसको देखते हुए अब दूसरे चरण में 204 जातियों में 11 और जातियों के नाम को शामिल कर गणना की जाएगी। बता दें कि जिन 11 और जातियों को सूची में शामिल किया गया है उनमें बंगाली, खत्री, धरामी, शूतिहर, नवे शुद, भूमिज, मारवाड़ी, बहेलिया, रस्तोगी और केवानी, दर्जी, उपनाम श्रीवास्तव या लाला या लाल शामिल हैं। सूबे को आज मिले 1978 नए दरोगा। आज बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सूबे को कुल 1978 नए दरोगा मिल गए हैं। बता दें कि इन 1978 नए दरोगा में 731 महिला सब इंस्पेक्टर डिस्पैच में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महानिदेशक RS भट्टी शामिल हुए थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेकर निकलने जा रहे नए दरोगा के परिजन भी पहुंचे थे। मालूम हो कि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में सूबे को दरोगा मिला है। बता दें कि नए दरोगा को लगभग 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रदेश की सेवा में तैनात किया गया है। बिहार से 4 सदस्यीय जांच दल आज पहुंचा तमिलनाडु। तमिलनाडु में बिहारियों पर हिंसा किया जा रहा है या नहीं इस बात की जांच करने को लेकर आज बिहार से 4 सदस्यीय जांच दल तमिलनाडु पहुंचे हैं। बता दें कि ये दल तमिलनाडु के उन इलाकों में जाकर प्रवासी बिहारियों से मुलाकात करेंगे जहां इस तरह की घटना घटित होती है। इसके साथ ही ये अधिकारी इस घटना की जानकारी वहां के प्रशासन और सरकार से भी लेंगे। बता दें कि 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पहुंचे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जो 4 व्यक्ति तमिलनाडु पहुंचे हैं उनमें श्रम विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरगंडी, CID के IG पी कन्नन और एक पुलिस के आला अधिकारी शामिल हैं। दरभंगा हवाई अड्डे के सिविल इनक्लेव के लिए मिली जमीन। दरभंगा हवाई अड्डे के सिविल इनक्लेव के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। बता दें कि सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए दरभंगा समाहर्ता राजीव रोशन के द्वारा जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। मालूम हो कि सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई गई जमीन 1.35 एकड़ है जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना को अंतर विभागीय भू हस्तांतरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। हालांकि आपको बता दें कि यह जमीन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना को कुछ शर्तों पर उपलब्ध करवाया गया है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रयोजन से भूमि भू हस्तांतरित की जा रही है उसकी उपयोगिता नहीं होने पर भूमि राजस्व विभाग को वापस सौंप दी जाए। मालूम हो कि सिविल एनक्लेव के निर्माण होने से हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को ठहरने एवं बैठने के साथ साथ अन्य विशेष सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।
मानवजीत सिंह ढिल्लो को मिला नया पदभार, अब ये बने पटना के SSP। बिहार के गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर पटना पुलिस के मुखिया SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो को नई जिम्मेदारी देते हुए पटना मद निषेध विभाग की DIG बना दिया गया है। वहीं उनकी जगह SSP की जिम्मेदारी गृह विभाग के द्वारा राजीव मिश्रा को दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल राजीव मिश्रा पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग के इंतजार में तैनात है। वहीं अगर बात मानवजीत सिंह ढिल्लो की जाए तो उन्हें पिछले वर्ष DIG के रूप में प्रमोशन दिया गया था, लेकिन उस दौरान उन्हें नए विभाग में पोस्टिंग नहीं की जा सकी थी, लेकिन अब उन्हें पटना मद निषेध विभाग के DIG की जिम्मेदारी दी गई है। सातवें चरण में शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का घोषणा। बिहार में उर्दू TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बीते दिन शुक्रवार को सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर घोषणा की गई है। मालूम हो कि उन्होंने यह घोषणा बीते दिन विधानसभा में किया है और कहा था कि वैसे उर्दू TET उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी बहाली अब तक नहीं हो पाई है उनकी बहाली सातवें चरण में की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहाली को लेकर नियमावली फिलहाल अंतिम चरण में है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में ऐसे 13,000 उर्दू TET अभ्यर्थी हैं जिनकी बहाली अब तक नहीं हो पाई है। मालूम हो कि राज्य में उर्दू विषय के लिए कुल 1,149 पद रिक्त हैं। 25% गरीब बच्चों का नामांकन नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। राज्य का कोई बच्चा अपनी पढ़ाई करने के मौलिक अधिकार से वंचित न रह पाए, इसको लेकर बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया है कि राज्य के वैसे स्कूल जो 25% गरीब बच्चों का नामांकन अपने संस्थान में मुफ्त में नहीं करते हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हालांकि इस कानून के दायरे में अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से स्कूलों को 4,350 रुपए प्रति बच्चे की दर से राशि मुहैया कराई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता। ऐसे ही स्कूलों को चिन्हित कर अब उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाला टनल का नजारा होगा ऐसा। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले टनल को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किए गए टेंडर दस्तावेज के अनुसार लोगों को टनल में कई चीजें देखने को मिलेंगी। बता दें कि दस्तावेज के अनुसार बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले टनल में बैटरी संचालित गोल्फ कार्टर्स चलेंगे ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। इसके अलावा लोगों को इन टनल के दीवारों पर बिहार की कला संस्कृति और विरासत की झांकियां भी देखने को मिलेगी। बता दें कि इस टनल की लंबाई लगभग 1.47 किलोमीटर होगी जो पूर्णतः वातानुकूलित होगी। मालूम हो कि इस परियोजना को 3 वर्षों में पूरा किए जाने की संभावना है। फिलहाल टनल निर्माण के लिए इच्छुक कंपनियों से 5 अप्रैल तक प्रस्ताव मांगा गया है। तमिलनाडु सरकार ने बिहार के मजदूरों से मारपीट की खबर को लेकर कहा ये। इन दिनों सदन से लेकर सोशल मीडिया तक तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुए मारपीट को लेकर हलचल मचा हुआ है। एक तरफ जहां आज मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिहार की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु मामले की जांच पड़ताल करने को पहुंची है, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार के द्वारा मजदूरों से मारपीट की खबर को झूठा बता दिया गया है। बता दें कि तमिलनाडु के श्रम कल्याण व कौशल विकास मंत्री CV गणेशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबरों को फैलाया गया है। उन्होंने यह दावा किया है कि इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भ्रामक खबरों को फैलाने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री व मिल्स संगठन के द्वारा भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में लोकल और प्रवासी बिहारी मजदूरों के बीच कोई हिंसा नहीं हुई है, ये गलत जानकारी है जो फैलाई जा रही है। सुशील मोदी का CM नीतीश कुमार पर तंज। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा गया है कि जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और विपक्षी एकता को एक करने का सपना देखते हैं, वह अपनी पार्टी JDU को राष्ट्रीय दर्जा भी नहीं दिला पाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नागालैंड चुनाव को लेकर खुद नागालैंड पहुंचे थे। वहीं लल्लन सिंह ने भी अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा चुनाव में लगा दी थी, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं दिखा और JDU इस चुनाव में केवल एक सीट जीतने में ही सफल हो पाई और साथ ही वोट प्रतिशत भी घटकर केवल 3.25% रह गया। उन्होंने कहा कि नागालैंड चुनाव में JDU से बेहतर लोजपा ने कर दिखाया है। लोजपा को 2 सीट और 8.6% वोट मिला है, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तमिलनाडु मामले में मदद करने के लिए मुकेश सहनी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले को लेकर एक तरफ जहां विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी उन सभी भाइयों के साथ उनके दुख के घड़ी में खड़ी है जिनके साथ तमिलनाडु में हिंसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के लोग कॉल या व्हाट्सएप कर हमसे संपर्क कर अपनी परेशानी को बता सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश सहनी के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है वह 9155990238 है। महिलाओं के आईपीएल की आज होगी शुरुआत। आज से महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि आज से शुरू होने वाले आईपीएल में कुल 5 फ्रेंचाइजी टीमों को 4,669 करोड़ रुपए में बेचा गया है। मालूम हो कि जिन 5 टीमों को बेचा गया है उनमें मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के नाम शामिल है। बता दें कि यह पहली बार है जब महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत की जा रही है। वहीं इस टूर्नामेंट की शुरुआत जिन टीमों के बीच मैच खेलकर की जा रही है वह गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस है। इन दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ जहां मुंबई की अगुवाई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर गुजरात जायंट्स की अगुवाई विकेटकीपर बेथ मुनी के द्वारा की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस आईपीएल का फाइनल मुकाबला 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मालूम हो कि महिला आईपीएल का आनंद महिलाएं और लड़कियां फ्री में एंट्री पाकर ले सकती हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वही पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, रविशंकर, मोहम्मद नौशद राजा, कन्हैया कुमार, इरफान अली, राम नरेश यादव, मुटू रंगीला, संजीत कुमार सुमन, अर्जुन राम, अंशुप्रिया, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।